सीएम साहब साथ में हैं। सीडब्ल्यूसी में सीडब्ल्यूसी के मेंबर ही हैं, जो एक्सटेंडेड होती है उसमें पीसीसी चीफ होते हैं, हम लोग उसमें कल नहीं है, मुख्यमंत्री जी हैं, मैं दूसरे काम से आया हूं। दूसरी बात यह है कि स्क्रीनिंग कमेटी अपना जो फीडबैक ले रही है और मुझे लगता है कि एक दो तीन दिन में कभी भी स्क्रीनिंग कमेटी के हमारे गोगोई साहब अपनी टीम के साथ जयपुर आएंगे तो हम जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है उसके द्वारा जो तैयार किया गया है वो जो पैनल है वो हम उनको सौंपेंगे और फिर उनको एक्सरसाइज करनी है, दो दिन चार दिन पांच दिन जो भी उनको करनी है तो वो उनका काम है। और जब स्क्रीनिंग कमेटी आगे सीसी होगी तो वो अपना पैनल ले जाएगी और टिकटे हो जाएगी, लेकिन हम नैले पे दैला देंगे। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का नैला फेल हो गया, हम दैला फेंकना चाह रहे थे लेकिन वो तो खुद ही एक्सपोज हो गए। देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में और जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में पूरी बाकायदा चर्चा हो करके फाइनल नाम हो गए और वो फाइनल नाम आज तक बाहर नहीं निकल पाए। इससे ये लगता है कि राजस्थान में वो अपनी हार मान चुके हैं, उनकी जो फूट है वो उसको एकजुट कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनमें संघ में आज एक राजस्थान पत्रिका ने बड़ा सटीक बात कही है कि संघ जो कब्जा किए हुए था उससे अमित शाह जी और मोदी जी मुक्ति चाहते हैं और वो अपनी चलाना चाहते हैं, तो ये इनमें भीषण जो आपसी संघर्ष होगा, इससे देश की जनता के सामने इनका सही चरित्र सामने आ गया कि ये लोग बाग कहते कुछ है और करते कुछ। अध्यक्ष जी, तमाम चुनावी राज्यों को लेकर सीएसी की बैठक हो चुकी है कांग्रेस मुख्यालय में, लेकिन राजस्थान को लेकर पीईसी भी अभी तक आप नहीं कर पाए, क्या कारण है? वो तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सूची जारी कर दी, तो क्या राजस्थान में कर दी क्या? हम तैयार हैं नैले पे दैला देने के लिए। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा दिल्ली पहुंचे हैं, जो कि न्यूज 18 से खास बातचीत भी कर रहे थे। उन्होंने पहली प्रतिक्रिया दी है दिल्ली पहुंचने के बाद और साफ तौर पर कहना है कि जब पहली सूची जारी होगी आधिकारिक प्रत्याशियों की तो नैले पर देने का काम किया जाएगा, और साफ तौर पर यह भी कहा कि अन्य राज्यों की भले ही सीईसी हो चुकी हो, राजस्थान की पीसी नहीं हो पाई हो, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं फिसड़ रही है। फिसड़ इसलिए रही है क्योंकि जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में सीईसी की बैठक हो गई लेकिन पहली सूची भारतीय जनता पार्टी का ऐलान नहीं हुआ है। मतलब साफ है कि बीजेपी में पशुपेश की स्थितियां ज्यादा है और राजस्थान में। लेकिन लखवीर, जिस तरीके से अभी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे थे, क्या यह माना जाए कि कांग्रेस साहब बीजेपी की टिकटों का इंतजार कर रही है कि बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट आए उसके बाद पहली लिस्ट कांग्रेस की तरफ से रिलीज हो? देखिए अमन, दोनों ही पार्टियों में सिर्फ फुटबॉल की स्थितियां हैं, दोनों ही पार्टियों में बगावत का डर है, इसलिए साफ है कि पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है, फूक फूक पर कर कदम रखे जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार का नुकसान ना हो जाए टिकट वितरण को लेकर। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी भाजपा के पाले में गेंद डाल रही है और भाजपा कांग्रेस को कोस रही है, जबकि स्थिति साफ है कि दोनों पार्टियां टिकट वितरण में फूक फूक कर कदम उठाना चाहती है, कदम लेना चाहती है, इसलिए तमाम तरीके के दावपेच अपनाए जा रहे हैं। बगावत सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा डर है, इसलिए टिकट वितरण जब हो तो दोनों पार्टियां चाहती हैं कि ऐसे दावेदारों पर, ऐसे प्रत्याशियों पर दाव खेला जाए जो कि जिताऊ हो, और जिताऊ तो हो ही, इसके साथ ही उनका विरोध उनके क्षेत्र में न हो, बगावती सुर नापन पे, और इसके साथ ही तमाम ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए जो अपनी सीट तो जीतने में किफायती हो, उसके साथ ही उस जिले की और उस क्षेत्र की सीटों पर भी उनका प्रभाव देखने को मिले। इसीलिए तमाम तरीके की तमाम बैठकें लगातार हो रही हैं, जयपुर में हो रही हैं और अब दिल्ली में भी पड़ाव शुरू हो जाएगा। जी, लेकिन लखवीर देखिए, कोर कमेटी की बैठक पहले राजस्थान में हुई है और उसके बाद में आज दोनों बड़े नेता जो हैं वो दिल्ली में हैं, कल सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है, क्या माना जाए कि क्या कोर कमेटी में जो रणनीति बनाई गई है उस पर मोहर लगाएगी सीडब्ल्यूसी, उसको लेकर के राजस्थान को लेकर के क्या कुछ चर्चा होनी है? देखिए अमंत, सीडब्ल्यूसी की जो कल बैठक होगी उसमें तमाम तरीके के दिशा निर्देश दिए जाएंगे कांग्रेस आलाकमान की ओर से कि किस प्रकार से और किन स्ट्रेटेजीज के साथ चुनावी मैदान में उतरा जाए। ब्यौरा भी लिया जाएगा कि राजस्थान प्रदेश इकाई, मध्य प्रदेश इकाई, छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई, तेलंगाना प्रदेश इकाई ने
क्या क्या अभी तक डेवलपमेंट्स किए हैं, कहां कहां दिक्कतें आ रही हैं, चुनाव के मद्देनजर तैयारियां क्या क्या हैं, और साफ तौर पर प्रत्याशी चयन को लेकर किस स्ट्रेटजीज पर पार्टियां काम कर रही हैं, ये पूछा जाएगा और उसका जवाब मांगा जाएगा। इसके बाद ब्रीफिंग भी की जाएगी सीडब्ल्यूसी की तरफ से कि किन किन स्ट्रेटजीज के साथ आगे बढ़ा जाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि टिकट वितरण का मसौदा क्या हो, उसको लेकर क्या रूट मैप हो, उसको भी तय किया जाएगा। क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि 10 तारीख को पीईसी की बैठक राजस्थान में होनी थी, लेकिन अब दोनों नेता यहां पर हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि जैसे गोविंद डोटासरा भी कर गए कि वो सीडब्ल्यूसी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो अन्य कामों से यहां आए हैं। मतलब साफ है, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से वो मिलेंगे, जो इनकी अब तक की तैयारियां टिकट वितरण को हो गई है उसकी रिपोर्ट सौंपेंगे, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा उनके साथ मौजूद रहेंगे, और उसके बाद स्वाभाविक है कि आगे पीईसी की बैठक और फिर सीईसी की बैठक को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी कि कब कब की तिथि तय की जाए और किस किस आधार पर टिकट वितरण हो। हालांकि नजरें सभी की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक दौर की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कर चुकी है, उसमें 65 सीटों पर डिस्कशन भी हुआ, हालांकि लिस्ट अभी तक नहीं आ पाई है। सूत्रों की माने तो श्राद्ध पक्ष के बाद कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है। वहीं कांग्रेस की जहां तक बात की जाए तो भले ही गोविंद डोटासरा बात टालते हुए ये कह गए कि नेले पर देला लगाएंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी सीईसी की बैठक कर चुकी है, लेकिन राजस्थान में अभी तक पीईसी की बैठक भी नहीं हुई है, प्रदेश चुनाव समिति की बैठक भी नहीं हुई है। मतलब साफ है कि तमाम तरीके की एहतियात बरते जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके के गलत व्यक्ति को टिकट न दे दी जाए किसी भी क्षेत्र में, ताकि चुनाव में हार ना हो। इस मापदंड को सामने रखते हुए कांग्रेस पार्टी स्ट्रेटजीज तैयार कर रही है और आगे बढ़ रही है। हेमंत, तो क्या ये माना जाए जो अभी का बयान है गोविंद सिंह डोटासरा का, उन्होंने कहा कि नेले पे देला देंगे, वे लगातार कहते रहे हैं कि हमारी तरफ से तैयारियां पूरी है, टिकटों को लेकर के कसरत पूरी हो गई है, ऑब्जर्वर्स लगातार मैदान में थे, क्या अब ये माना जाए कि आला कमान ने उनको बुलाया है पूरी तरह से एक रणनीति के साथ में, टिकटों पर भी बात होगी, कुछ दिशा निर्देश दिल्ली भी देगी कि किस आधार पर टिकटों का वितरण होना है, क्योंकि ठीक इससे पहले दो दिन पहले पश्चिमी राजस्थान के बड़े नेता की तरफ से राहुल गांधी से मुलाकात भी हुई थी। निश्चित रूप से कर्नल मानविंदर सिंह मिलकर गए हैं, 10 जनपद पर उन्होंने दस्तक दी थी। स्वाभाविक है कि पश्चिमी राजस्थान से जुड़े हुए फीडबैक उनसे लिए गए होंगे, और उन्होंने अपना पक्ष भी रखा होगा, क्योंकि वो खुद भी जैसलमेर से दावेदारी जता रहे हैं, हालांकि टिकट मिलती है या नहीं मिलती है ये बाद का विषय, क्योंकि रूपाराम धनदेव काफी मजबूत वहां पर दावेदार हैं और अब तक चुनाव लड़ते आए। जहां तक बात गोविंद डोटासरा के दिल्ली दौरे की और उनकी आगामी डेवलपमेंट्स की है, तो हेमंत निश्चित है कि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से तो मिलेंगे प्रभारी रंधावा के साथ, दिशा निर्देश भी प्राप्त करेंगे, अपनी तैयारियों से भी अवगत करवाएंगे और टिकट वितरण के मसौदे पर भी चर्चा होगी। लेकिन संभावना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात करें, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें, दिशा निर्देश लें और जयपुर जाएं, तमाम प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करें, क्योंकि एक दिन पहले भी तमाम कोर ग्रुप की बैठक हो गई है। अब प्रदेश चुनाव समिति का इंतजार है, प्रदेश चुनाव समिति के बाद फुल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, फिर सीईसी की बैठक होगी, जिसमें करीब 100 सीटों पर डिस्कशन संभव है। मतलब साफ है कि पहली जब सीईसी की बैठक होगी राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें 100 सीटों पर डिस्कशन होगा राजस्थान को लेकर, और उसके बाद पहली आधिकारिक सूची का ऐलान राजस्थान को लेकर कांग्रेस आलाकमान कर देगा। हालांकि उसका टिकट वितरण का मसौदा क्या होगा, किस वर्ग के लोगों को साधा जाएगा, युवाओं और महिलाओं को लेकर क्या टिकट वितरण का मसौदा तैयार किया है पार्टी ने, ये सब बातें भविष्य के गर्भ में है। बिल्कुल लखवीर, अभी की स्थिति यह है कि राजस्थान कांग्रेस अब दिल्ली की तरफ देख रही है, दिल्ली से क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, क्या निर्देश मिलते हैं, और कल मुलाकातों का सिलसिला कहां पर किनके साथ होता है, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल नजर बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही साथ गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली पहुंच चुके हैं। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर वो तस्वीरें जब सीएम अशोक गहलोत डोटासरा दोनों दिल्ली पहुंचे हैं।